नमस्कार आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग सब आए यहां पर। अनफॉर्चुनेटली जो बाकी दो इडियट्स हैं राजू हिरानी और विनोद जी वो नहीं आ पाए, उन्होंने बहुत बहुत माफी मांगी है। और वजह यह है कि जो हमारी फिल्म रिलीज हो रही है 19 दिसंबर को, उसी का जो पोस्ट प्रोडक्शन जो है उसका जो आखिरी काम चल रहा है, तो उस वजह से वो नहीं आ पाए। तो मैं उनकी तरफ से भी बात करूँगा आपसे, तो आपके जो सवाल हो आप प्लीज पूछिए। जी हाँ जी हाँ नहीं मैं झूठ नहीं कहूँगा, भोजपुरी जो जबान बहुत खूबसूरत जबान है, लेकिन कोई भी जबान सीखने के लिए समय लगता है, वक्त लगता है। और इस फिल्म में मेरा किरदार जो है वो भोजपुरी में ही बात करता है, भोजपुरी बोलने वाला है वो। और इसके लिए मैंने जो पूरी स्क्रिप्ट है वो हमने भोजपुरी में जो लिखी गई थी उसको मैंने भोजपुरी उन लाइन्स को मैंने सीखा। और जो उसका एक्सेंट है हमने, हमारे एक्सपर्ट थे वहाँ शांति भूषण जी जो यहीं के हैं, और उन्होंने मुझे बड़ी हेल्प की एक्सेंट सही तरह प्रोनाउंस करने में। तो वो मैंने शूटिंग से पहले 3-4 महीने मैंने रिहर्सल की थी, तो लिहाजा मैं क्योंकि आप अभी भोजपुरी लैंड में हैं तो थोड़ा नमूना आप कुछ पूछिए तो मैं कोशिश करता हूँ। हमारी फिल्म बहुत ही फंटास्टिक है, आप जरूर देखिएगा। बनावे में कितना मेहनत लागल? खूब मेहनत लगा। राजू जी जो हैं वो बहुत ही मेहनती डायरेक्टर हैं, और उनकी पिछली फिल्म जो आई थी 3 इडियट्स, आप अंदाज़ा ऐसे ही से लगा सकते हैं कि 3 इडियट्स को आए हुए 5 साल हो गए, और इन 5 सालों में उन्होंने यही एक फिल्म बनाई है, उस पर मेहनत की। लेखक भी हैं वो, तो उन्होंने पहले स्क्रिप्ट लिखी, उसके बाद फिल्म बनाई। तो जिस प्यार से, जिस प्रेम से उन्होंने इस पर काम किया है उससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने मेहनती हैं वो और कितने डेडिकेटेड हैं वो अपने आर्ट की तरफ। आमिर, हाँ जी आमिर जी, आप इस फिल्म के बारे में थोड़ा बताएं और क्या किरदार है और क्या ये फिल्म है? ये फिल्म बहुत ही इसकी खूबसूरत कहानी है। कहानी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना आपसे कह सकता हूँ कि जब मैंने इसकी कहानी सुनी तो बहुत ही गहरा असर हुआ मुझ पर। ये फिल्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कह रही है, बहुत ही अहम चीज़ कह रही है। लेकिन राजू जी का जो अंदाज़ है वो ह्यूमर का अंदाज़ है, तो हर चीज़ वो आपको ह्यूमर के ज़रिए कहते हैं। उनकी पिछली फिल्में भी ऐसे ही थी, जैसे 3 इडियट्स में वो चीज़ जो कह रहे थे वो बहुत ज़रूरी थी, इम्पॉर्टेंट थी, लेकिन कहने का जो अंदाज़ है उनका वो ह्यूमर को इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह इस फिल्म में भी ऐसा ही है। और मेरा किरदार बहुत ही अलग किस्म का अनोखा इंसान है, बहुत ही भोला इंसान है, बहुत ही इनोसेंट है। और ज़्यादा मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं आपका मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहता फिल्म देखने का। कितने आमिर देखेंगे क्योंकि अलग अलग पोस्टर में अलग अलग आमिर देखेंगे। दरअसल वो एक ही किरदार है जो जिसके अलग अलग रूप हैं। आमिर जो आपका पहला आपका जो पोस्टर था, जो पहला पोस्टर रिलीज हुआ वो काफी कंट्रोवर्शियल था और उसमें बहुत कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की, जिसमें आप रेलवे ट्रैक पे खड़े हैं एक ट्रांजिस्टर लेके। इस फिल्म के कंटेंट में भी कुछ ऐसा है कि ये सिंपली मार्केटिंग गिमिक था? ये नहीं, मार्केटिंग गिमिक नहीं था। दरअसल ये फिल्म का एक लम्हा है, एक मोमेंट है, एक सीन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है। और ये जो इमेज है, ये इंसान खड़ा है ट्रांजिस्टर लेके रेलवे ट्रैक्स पर, वो एक्चुअली हमारी फिल्म का की आर्ट है। तो राजू जी और हमारी सारी टीम, जो क्रिएटिव टीम है जो डिज़ाइन कर रही थी पोस्टर, हम सबको लगा के जो इमेज होता है, जो जिससे हम सच्चाई से बता सकें आपको कि ये फिल्म क्या है, तो वो उसको हम कहते हैं की आर्ट। जैसे तारे ज़मीं पर में आपको याद होगा कि जो की आर्ट था हमारा मेन इमेज, उसमें बच्चा सामने बैठा है और पीछे उसका टीचर उसके पीछे बैठा है, क्लासरूम में बैठे हैं वो, डेस्क पर सामने बैठा है टीचर, 2-3 डेस्क पीछे बैठा, तो उसको हम की आर्ट कहते हैं। वो एक चित्र जो है, वो एक इमेज जो है, वो पूरे कहानी को समा लेता है। तो इसी तरह ये फिल्म का की आर्ट है। तो हमने कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए या पब्लिसिटी के लिए ये पोस्टर नहीं बनाया था। ये एक बहुत अहम मोमेंट है फिल्म का, लम्हा है,
और हमारा की आर्ट है। थैंक यू। जी जी हाँ, इस फिल्म में जरूर बहुत ही एक अहम मैसेज भी है जो राजू जी देना चाहते हैं। जी मैसेज तो आप फिल्म में देखेंगे तो मैसेज आपको पता चलेगा। पीके तो उसका नाम है फुल फॉर्म आप फिल्म में देखिएगा, फुल फॉर्म आप फिल्म में देखिएगा। देखिए मुझे लगता नहीं कि ऐसी कोई कहानी आज तक आई है पर्दे पर, हिंदुस्तानी पर्दे पर। और कल ही रात को, देर रात को हम सब ने इसका पहला कॉपी जो है, फर्स्ट प्रिंट जो हम बोलते हैं, वो हमने देखा। और मुझे लगता है कि राजू जी के मन में जो बात थी, जो उनके जहन में जो एक विजन था, वो पूरी तरह से वो उतार पाए हैं फिल्म पर। भोजपुरी भाषा क्यों चुनी? हाँ, ये अच्छा सवाल है। दरअसल जब स्क्रिप्ट ओरिजिनली लिखी गई थी तो उसमें किरदार जो था वो खड़ी बोली बोलता था, आम जो हिंदुस्तानी है। तो मैंने स्क्रिप्ट सुनी, मुझे बहुत पसंद आई स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट सुनने के बाद एक दो चीज़ें मैंने राजू जी को बताई जो उनको अच्छी लगी और उन्होंने फिल्म के अंदर इंक्लूड किया। उनमें से एक ये था कि मैंने कहा कि राजू जी क्यों ना हम इसको, इसकी भाषा भोजपुरी रखें इस किरदार की। तो उनको वो बात अच्छी लगी। मैंने ये क्यों सजेस्ट किया मुझे लगा कि किरदार में एक अलग कलर आएगा अगर वो भोजपुरी में बात करेगा। और मुझे, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यूसुफ साहब का, दिलीप कुमार जी का, और उन्होंने गंगा जमुना में भोजपुरी बोली है। तो वो बात मेरे मन में कहीं ना कहीं थी और मुझे लगा कि मैं भी कोशिश करूं। हाँ, वो आपको एक्चुअली कहानी किसके साथ है, क्योंकि ये फिल्म जो है वो राजस्थान में सेट है, राजस्थान में और दिल्ली में। तो वो भोजपुरी क्यों बोलता है राजस्थान में रहकर या दिल्ली में आकर, ये फिल्म के अंदर आपको समझ में आएगा। माफ कीजिएगा, क्या मैं तो अवार्ड्स में जाता, मैं जाता नहीं हूँ अवार्ड्स में, मैं नहीं जाता अवार्ड्स में। जी मैं तो ये कहूँगा कि जो पिछले 25 सालों में मैंने जितने किरदार निभाए हैं, ये शायद सबसे मुश्किल किरदार रहा है मेरे लिए। बल्कि मैं कहूँगा कि पिछले 25 सालों में जो फिल्में मैंने की हैं, वो सारे किरदार एक तराजू में और ये एक तराजू में, इतना चैलेंजिंग रोल था ये मेरे लिए। स्टिकर लगाए, हाँ हाँ, वो स्टिकर, वो प्रोमो तो आपने देखा ही होगा। वो उसमें सीन में वो कहता है कि, क्योंकि उसको लोग बहुत पीटते हैं फिल्म के अंदर, वो जहाँ जाता है वो पीटता है। तो वो सीख लेता है कि भाई, मैं अपने आप को अगर सुरक्षित रखना चाहूँ तो मैं भगवान के स्टिकर लगा दूँ तो कोई मुझे मारेगा नहीं। नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं। नहीं, श्री 420 से भी मिलता जुलता नहीं है। भोजपुरी का टच आया है, मतलब जो गाने जैसे वो लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, वो एक गाना है। और दूसरा भी एक गाना है जिसमें भोजपुरी का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, भोजपुर में बहुत कीन था जाने के लिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें बताया कि वो अरेंजमेंट्स नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, तो उन्होंने हमें मना कर दिया, रिक्वेस्ट किया कि हम ना जाएं। पिछली दफ़ा तो बहुत मज़ा आया था मुझे लिट्टी चोखा खा के, और कोशिश करूँगा कि मैं फिर एक दफ़ा और उसको चखूँ। जी, बिहार आपके लिए, आप जब भी फिल्में अपनी प्रमोशन के लिए आते हैं, जी, लगता है बिहार चुनते हैं पहले, क्या कोई पर्सनल टच है या आपके लिए ये शुभ है, क्यों? बिहार जो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट राज्य है हमारे देश का, और यहाँ के लोग, देश भर के लोग मेरे लिए सभी अजीज हैं। बिहार, हमने हमारा दौरा बिहार से इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं भोजपुरी बोलता हूँ इस फिल्म में, तो लिहाजा हमने सोचा कि हमको यहाँ से शुरू करना चाहिए। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं, कोई बातचीत तो नहीं हुई है, मुझे उसके बारे में अंदाजा नहीं है।
हमारे लिए दे सकते हैं, क्योंकि आप फिल्म के बारे में कुछ बता नहीं रहे हैं, किरदार के बारे में बता रहे हैं, कुछ डायलॉग तो दे, जो कि हमारे लिए। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग फिल्म को, जैसे मैंने पहली दफा कहानी सुनी, नरेशन स्क्रिप्ट का सुना पहली दफा, तो मुझे कोई अंदाजा नहीं था क्या है फिल्म, इसके अंदर किरदार क्या है, डायलॉग्स क्या है, कहानी क्या है। तो जिस तरह से उस फिल्म का असर मुझ पर हुआ, मैं चाह रहा हूँ कि वही आप पे हो, ऑडियंस पे हो। तो मैं चीजें बताऊंगा तो फिर आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। जी हाँ हाँ जी 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 तो इससे जाहिर ये होता है इस पोस्टर से कि ये इंसान जो है ये बहुत ही धार्मिक है और हर भगवान को पूछता है, इस पोस्टर से तो यही जाहिर होता है। जी हाँ जी हाँ, रोमांटिक रोल है अनुष्का जी के साथ। जी हाँ हाँ, वो बड़ा टफ रहा, क्योंकि एक्चुअली वो ऐसा हुआ कि हम जो आखिरी रिहर्सल कर रहे थे, ड्रेस रिहर्सल, उसमें शूटिंग में वक्त था एक महीना, और हम ड्रेस रिहर्सल कर रहे थे तो उसको हमने शूट भी किया। तो शूटिंग के दौरान इत्तेफाक से विनोद जी आ गए, आमतौर पे वो शूटिंग पे आते नहीं, तो उन्होंने मेरा जो शॉट देखा, उन्होंने कहा एक और टेक करना, इस दफा तुम पलके मत झपको। तो मुझे उनकी बात अजीब लगी, लेकिन मैंने कहा चलो रिहर्सल है, हम ट्राई करते हैं, अलग अलग चीज़ें ट्राई करना है। तो जब मैंने किया वो शॉट बगैर पलक झपके, तो राजू जी को बहुत पसंद आया, फिर मैंने वीडियो पे देखा, मुझे बड़ा पसंद आया, और हम तीनों को लगा कि हाँ ये बहुत एक अच्छा एडिशन आया है किरदार के लिए। तो इसमें कई चीज़ें हैं फिजिकल जो मैंने की हैं, एक तो मैं पलक नहीं झपकता, दूसरा जब मैं दौड़ता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लोग पीछा करते हैं पीटने के लिए, तो जब भी मैं दौड़ता हूँ तो मेरे हाथ जो है वो, जैसे आमतौर पर हम दौड़ते हैं तो हाथ हमारे हिलते हैं, तो इसके हाथ वहीं के वहीं रहते हैं इसके बाजू में, और कान जो है मेरे वैसे तो ऑलरेडी बाहर निकलते हैं, लेकिन इस फिल्म में मैंने पूरे तरह से बाहर निकाले कान। तो ये कुछ चीज़ें हमने की थी किरदार के लिए। पान खाता हूँ मैं इस पूरे फिल्म में, मैंने बहुत पान खाया। हाँ जी, मुझे लगता है कि ये तो खैर राजू जी का चॉइस है कि एक्टर कौन होगा, लेकिन मेरे हिसाब से राजू जी ने अनुष्का को इसलिए चुना क्योंकि उनका जो वो किरदार को बड़ा सूट करती हैं, जिस तरह का किरदार है उसको बड़ा सूट करती हैं, और बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। मैं तो अपने आप को परफेक्ट नहीं मानता हूँ, मुझे पता नहीं क्यों परफेक्ट का टाइटल मुझे दे दिया गया। मुझे लगता है कि हर इंसान में इम्परफेक्शंस होते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, बल्कि जो हमारी इम्परफेक्शंस होती हैं, जो हमारी कमजोरियां होती हैं, उन्हीं में हमारी खूबसूरती छुपी होती है, ये मेरा मानना है। तो मैं परफेक्ट बिल्कुल नहीं हूँ। शांति भूषण जी हैं जो यहीं के हैं, और वो उन्होंने ना सिर्फ वो शूटिंग से 4 महीना पहले से हमने रिहर्सल शुरू की, लेकिन शूटिंग के दौरान हर रोज़ वो मेरे साथ थे। तो वो मैंने ऐसा किया कि जो लाइन है भोजपुरी की वो कहते थे, और वो मैं फोनेटिकली लिखता था, जैसे कि अगर शब्द है कन्फ्यूजन, अब ये किरदार जो है वो भोजपुरी में बोलता है लेकिन इंग्लिश के एक आध शब्द आ जाते हैं उसके यहाँ वहाँ, तो कन्फ्यूजन जो है वो अंग्रेजी में इसका प्रोनाउंसिएशन कन्फ्यूजन है, लेकिन वो कन्फ्यूजन बोलता है, कन्फ्यूजन कन्फ्यूजिया गए का, तो वो फ नहीं बोलेगा, वो फ बोलेगा, कन्फ्यूजिया गए का। तो इस किस्म का जो फोनेटिक्स, जो अलग प्रोनाउंसिएशन है, वो मैंने अपने हाथ से हर लाइन लिखी, और जब मैंने याद करना शुरू किया वो करेक्ट फोनेटिक से ही मैंने याद करना शुरू किया, ताकि वो ये चीज़ मेरे अंदर शुरू से जाए, क्योंकि कोई भी भाषा बोलना ऐसे कि वो आपकी भाषा है वो थोड़ा मुश्किल होता है, जब तक आप उसको वक्त ना दें वो आपके खून में नहीं उतरता। हमें तो उम्मीद यह है कि बिहार के लोगों को ये फिल्म खास पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ की भाषा है। वैसे तो हमें उम्मीद है कि सभी लोग इस फिल्म को पसंद करें, लेकिन ख़ास तौर से बिहार से हमें ये उम्मीद है, क्योंकि उनकी भाषा है, जब आपकी भाषा में होती है, जब किरदार आपकी भाषा में बात करता है, तो आपका और एक जज्बाती तौर पे आप उसके और नज़दीक आ जाते हैं, तो ये उम्मीद है हमारी। बाजार नहीं कहूँगा मैं, बाजार नहीं कहूँगा, एक जी नहीं, उस हिसाब से मैं तो वैसे काम भी नहीं करता हूँ।
हम जो क्रिएटिवली सही होता है फिल्म के लिए या किरदार के लिए हम वो करते हैं। और जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे लगा कि ये किरदार अगर कोई डायलेक्ट में बात करेगा तो उसमें ज़्यादा चाम आएगा किरदार में, तो लिहाजा हमने फिर चॉइस है, हम भोजपुरी भी चुन सकते हैं, हम अवधी चुन सकते हैं। अवधी में लगान में बोल चुका था तो यार मेरा जवाब तो पूरा नहीं हुआ तो अवधी हम लगान में इस्तेमाल कर चुके थे तो हमें लगा इस दफ़ा आप भोजपुरी यूज़ करते हैं। हाँ आजाद जो हैं वो बहुत लाइट के आगे कौन था, आजाद जो हैं वो बहुत प्रभावित हुए इस फिल्म से और मेरी डबिंग के दौरान उन्होंने कई सीन देखे हैं और आजकल मैं वो पूरी फिल्म ही देखने वाले हैं, तो आजाद देखेंगे, अम्मी देखेंगी, किरण जी देखेंगी आजकल मैं जब मैं लौटूंगा तो वो देखने वाले हैं, तो मुझे बड़ा इंतज़ार है कि उनको फिल्म कैसी लगती है। मुझे लगता है कि ये बहुत खुशी की बात है कि अलग अलग किस्म की फिल्में बन रही हैं और हमारी ऑडियंस भी जो है वो अलग अलग किस्म की फिल्मों को पसंद कर रही है, सो दैट्स अ वेरी हेल्दी साइन, दैट्स अ वेरी हेल्दी साइन। प्लानिंग तो इस वक्त नहीं चल रही है लेकिन मुझे बड़ा मजा आएगा अगर ऐसा हो, और मैं राज को, राज संतोषी को कई दफा कह चुका हूँ कि आप स्क्रिप्ट लिखिए इस अंदाज़ अपना अपना टू की, तो सलमान और मुझे भी एक दफ़ा फिर काम करने का मौका मिलेगा और जो दर्शक हैं उन्होंने जितना पसंद किया है अंदाज़ अपना अपना को वो उनको भी बड़ा मज़ा आएगा। हाँ यकीनन ज़रूर, जब कोई अच्छी कहानी आए तो ज़रूर काम करना चाहेंगे। नहीं इस पर अब क्या है, फिल्में जो है वो ऑर्गेनिकली बनती हैं, कहानी लिखी जाती है उस पर फिर एक्टर सूट होते हैं, एक्टर को पसंद आना होता है, तो अगर ऐसा हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। उम्मीद करते हैं हम कि आएंगे, मुझे लगता है कि हम तीनों अगर एक फिल्म करें तो हमें भी मज़ा आएगा, दर्शकों को मज़ा आएगा, तो अगर कोई ऐसी कहानी आए और जो हम तीनों को पसंद आए तो हम यकीनन हम तीनों करना चाहेंगे। वेरी टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड, आई थिंक इस फिल्म में सुशांत हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, और इसी तरह बहुत सारे यंगस्टर्स, रणवीर आए हैं, उसके अलावा राज और कायपोचे में तीसरे लड़के रहा क्या था, साध, तो जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं मैं देखता हूँ कि जो उनकी पहली फिल्म है तो उनकी पहली फिल्म में वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर पाया अपनी पहली फिल्म में, सो आई फील दैट द यंग टैलेंट इज़ वेरी 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 ब्राइट, वेरी ब्राइट। पीके का गाना मैं बहुत बुरा गाता हूँ यार, बहुत बुरा गाता हूँ मैं, बड़ी मुश्किल से वो एक गाना मैं गा पाया। हमें बड़ी खुशी होगी अगर ऐसा मौका आए, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं, मसरूफ होंगे, मुझे पता नहीं फिल्म देखने का वक्त होगा उनके पास या नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो तो हमें बड़ी खुशी होगी, ज़रूर ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। लाइन में गुनगुना रहा था यार, मैं बहुत बुरा गाता हूँ। घर की छोकरो आयो रे बन के मारो मेहमान, उसे तो नहीं गा पाऊंगा अच्छा नहीं गाता हूँ, ये तो राजस्थानी हो गया बिल्कुल। बिहार में नहीं, यहाँ पे शूटिंग नहीं हुई है बिहार में? अच्छा नहीं होती, अच्छा। एक्चुअली एक तो जहाँ तक मेरी फिल्मों का सवाल है, कहानी के ऊपर डिपेंड होता है कि कहानी कहाँ सेट है, और हम उस लोकेशन पे जाके हम आमतौर पे शूट करते हैं,
तो मुझे अपनी फिल्मों में ऐसा मौका नहीं आया कि कहानी जो है वो बिहार के में सेट है, लेकिन कभी ऐसा मौका आएगा मैं जरूर करना चाहूंगा, जरूर करना चाहूंगा। हैं, कौन कहता है, किसकी जरूरत हुई? नहीं, मेरा अनुभव ऐसा नहीं है, मेरा अनुभव ऐसा नहीं। मैं अभी शादी, मेरी तीसरी ट्रिप है बिहार में, और मैं एकदम इंटीरियर में गया हूँ, गहलोर गांव में गया हूँ, और वहाँ पे इतने सैकड़ों लोग जमा हुए थे, तो मुझे इतनी खुशी हुई, और मैं बहुत जज्बाती हो गया इतने लोगों को वहाँ देख कर। अनफॉर्चुनेटली मैं उनसे बात नहीं कर पाया, क्योंकि कोई माइक या साउंड सिस्टम उन्होंने लगाया नहीं था, तो मैं बस उनको जितना मैं उनको इंटरेक्ट कर सका बगैर माइक के मैंने करने की कोशिश की, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतने लोग उनके दिल में इतना प्यार है मेरे लिए। मैं बहुत ही जज्बाती हो गया वो देखकर। तो मेरा अनुभव यही रहा है कि बिहार के लोगों के दिल में बहुत प्यार है, और बहुत उन्होंने मुझे मोहब्बत दी है आज तक, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपको क्या लगता है, उन्होंने कुछ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया भाई मेरा प्रमोशन करने के लिए? नहीं, वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और उनके दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है, मेरे दिल में उनके लिए बहुत प्यार है, और यकीनन उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, और वो प्रमोट भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं जी। ये इसका जवाब तो भाई सलमान सर को कई दफा मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन इसका जवाब तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है भैया, सलमान साहब कब शादी करें। It's getting stronger. I think that, you know, today there are so many platforms available to communicate with people. एक तो मीडिया ही है, और सोशल मीडिया जो है वो भी है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। जैसे जैसे इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगा हिंदुस्तान में, वो और ज़्यादा ताकतवर होगा। बिहार के बारे में मैं यही कहूँगा कि यहाँ के लोग बहुत ही मोहब्बती हैं, और उनके दिल में बड़ी इज्जत है, बड़ा प्यार है हम सबके लिए। वो आप फिल्म देखेंगे तो बेहतर होगा। नहीं, मैं क्या बताऊं, अभी संदेश बता दूंगा तो पूरी कहानी निकल आएगी। इस फिल्म की ऑडियंस जो है, ये बहुत ही यूनिवर्सल किस्म की फिल्म है, तो इसमें बच्चे भी शामिल हैं, फैमिलीज भी शामिल हैं, यंगस्टर्स भी शामिल हैं, तो हर किस्म के लोगों के लिए ये फिल्म है। इसलिए मैं अपनी फैमिली में मैं आज़ाद को भी दिखा रहा हूँ जो 3 साल के हैं, किरण जी को भी दिखा रहा हूँ, और अम्मी जो करीब 80 साल की हैं उनको भी दिखा रहा हूँ। तो ये एक फैमिली फिल्म है, यूनिवर्सल फिल्म है। हाँ, दरअसल ब्रेक ऐसा है कि जो इस वक्त मैंने कोई फिल्म साइन नहीं की है, और अभी अभी हमारा season 3 ख़त्म हुआ सत्यमेव जयते का, और पिछले 5 साल से हम सत्यमेव जयते के साथ हम काम कर रहे थे, पूरी टीम और मैं। तो हमने सत्यमेव जयते से थोड़ा एक ब्रेक लिया, एक 6 महीने 8 महीने हम एक उससे ब्रेक लेंगे, क्योंकि जज्बाती तौर पे वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगले साल जो है मैं फिल्म ही करूँगा, लेकिन कौन सी फिल्म है वो अभी तक मैंने तय नहीं किया है। जब कोई अच्छी कहानी मुझे मिलेगी तो मैं फैसला करूँगा। तो अगले साल मेरी फिल्म शायद कोई नहीं आएगी, हाँ, क्योंकि अभी तक मैंने साइन नहीं की है। तो फिल्म जब तक मैं साइन करूँ, जब तक वो बने, अगले साल कोई फिल्म नहीं आएगी। जी, अच्छा, सारे दुकानों में, क्या बात है, वाह वाह। आप कुछ रेकमेंड करिए। मैं तो दोबारा लिट्टी छोटा खाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत मुझे मजा आया। तो मैं अपने टीम को बोलता हूँ कि हम लोग कोशिश करें कहीं पे रुकने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बड़ा अच्छा लगा, धन्यवाद।